इसके बाद मैंने क्या एनालाइज किया कि जो मैंने ड्रॉप शिपिंग का अपना किया था ना पहले, जी हाँ, मैंने तो बहुत ही कॉस्टली एड रन कर दी इसके कंपेयर में, बहुत ही कॉस्टली एड रन कर दी। जैसे ये जो मैंने पहला कैंपेन रन किया इसकी, अच्छा कॉस्टली जैसे कितनी, ये लगा लो मैंने अराउंड 15,000 में मेरे को, ये लगा लो एक हम $5 के कैंपेन में मेरे को कितने क्लिक्स मिलते थे, 7 to 10 के बीच में, कभी कभी 4-5 भी मिलते थे, इतने क्लिक मिलते थे मेरे को, वीडियो व्यूज आते थे, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता था और इतने क्लिक्स मिलते थे मुझे बस। मतलब अगर मतलब, आपको आपकी ड्रॉप शिपिंग अभी याद आई है मेरे सेशन के बाद, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी उस फ्लैशबैक में कि यार कितना आसान था ये और मैं इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था मैंने, ये फीलिंग आ रही है क्या आपको? अगर ये आपसे मैंने पहले कांटेक्ट किया होता, मे बी आज मैं ड्रॉप शिपिंग में भी सक्सेसफुल हो गया होता। अरे ड्रॉप, देखो आपको ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होना है तो अपन ये करते हैं कि आप ये कुछ कैंपेन्स रन कर लो, ड्रॉप शिपिंग का आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो मैं ये करता हूँ रोहित, बिकॉज देखो आप बहुत सीरियसली चीजों को ले रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो ना। सर पहला टारगेट मैं सीपीए मार्केटिंग यही है, रैपिड मार्केटिंग यही टारगेट है मेरा। हाँ तो हम ये करेंगे कि आपकी ड्रॉप शिपिंग पर कुछ एक कुछ बातें कर लेंगे अलग से, है ना, तो उसमें जो आपका पुराना स्टोर है उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर उस पर भी हम रन कर देंगे चीजों को, करेक्ट, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में ये चीजें करना बहुत आसान हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो खैर अभी वहां पे नहीं जाते हैं, अभी अपन इस पे ही रहते हैं। तो ये हो गई हमारी सिंपल सी बात ओवरव्यू पर।